किसने किया ही नहीं था तो आपसे ये बोलेंगे नहीं कर सकता, पर अगर आपका थॉट है तो आप उसको पीछे मत हटो, उसको ड्रीम लेके चलो कि हाँ कर सकता हूँ और करूंगा, आपने बिलीव करो मैंने वही किया। मेरे स्कूल में 12वीं पूछा मैडम ने तुम क्या करोगे, मैंने कहा अमेरिका जाऊंगा मैम। अच्छा मेरे जाओगे, हंसने लगे सब लोग। आज जब कर रहा हूँ मैडम खुद आती है मेरे पास, मेरा हमारे इवेंट में मुझसे मिलने बोलती है वाह यार प्रदीप तो उसमें ऐसा बोलता था आज कर रहा है, तो मतलब जो आप बोलते हो उसको एक उसको उस पे तो आप अमेरिका गए नहीं गए अभी? अमेरिका यार मैं लास्ट का चरण है, मैं एक्चुअली जब भी जाऊंगा मैं साइकिल से जा रहा हूँ जैसे, तो एक एक चरण करके पहले एशिया महाद्वीप, फिर आपका यूरोप महाद्वीप, फिर आपका क्या कहते हैं अफ्रीका, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका होते हुए आप फिर पहुंचोगे। तो अभी तक की जर्नी में सबसे चैलेंजिंग मतलब कंट्री या फिर कंट्री कहूंगा कौन सी लगी? सोमेश्वर घाटी में एक गांव है, मैं उस गांव का नाम नहीं जानता लेकिन मैंने इतना सुना है कि माँ नंदा का डोला एक रात के लिए वहां ठहरता है। वहीं उस गांव में एक आवारा कवि रहता है जिसका नाम हर्ष काफर है, जो कहानियां कहा करता है, जो कविताएं सुनाया करता है, इस अंदाज में लोगों को अंदर से जगा देता है, वो हर्ष काफर है। मैं हर्ष काफर को बार बार सुनना पसंद करता हूँ और कई बार मैं उसकी कविताएं दूसरों को सुनाता हूँ। वो अपनी आवाज में जब चिल्लाते हुए कहता है आवरे लौंडो, खसोड़ते हैं पहाड़ को, जब वो कहता है अम्मा द टाइम मशीन, तो हर रोज वो मेरे दिल में और उतरता जाता है और अंदर तक अपनी जगह बना लेता है। काल चक्र कपैया यूं ही चलता जाएगा, विधि के विधान को तो टाल नहीं पाएगा। काल चक्र कपैया यूं ही चलता जाएगा, नियति में जो लिखा है वो ही तो तू पाएगा। तू समय की घड़ियां गिनता जा, लड़कर मर जा या जिंदा जा। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 23 फरवरी 2024 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों अभी क्या है कि सुबह के बज रहे हैं, सुबह कितने बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं और मैं अपने होम स्टे में हूँ और यहाँ पे कुछ मेहमान आए हुए हैं, खासकर बहुत बड़े बड़े मेहमान मैं कहूँगा, बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनसे आपको मिलवाया जाएगा और उनसे मिलके आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो हमारे साथ आज कौन कौन है? प्रदीप राणा हैं, हर्ष काफर जी हैं, पंकज जीना जी हैं और आरजे गौरव हैं। तो सभी से एक एक करके आपको मिलाते हैं और उनके अलावा जो है यहाँ पे ताऊजी हैं जिनको आप रोजाना देखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये हैं हमारे क्षेत्रीय कवि जाने माने, कृपया मुझे कुछ पैसे भेजें। ये हर्ष काफर जी हैं और आप देख सकते हैं संभ्रांत लोग हैं, महंगे जूते महंगे कपड़े पहनते हैं, आईफोन रखते हैं। और यहाँ पे ये प्रदीप राणा जी हैं, ये तो आप जानते होंगे, ये हमारे आरजे गौरव हैं, रेड एफएम वाले देहरादून से आए हैं। और आरजे जीना नहीं पंकज जीना, ना पंकज जीना जी अभी ऊपर है। तो सबसे पहले आपको मैं मिलाता हूँ इनसे, राहुल प्रदीप राणा जी से। तो राणा जी नमस्कार, आपको सब जानते हैं बतौर एक ट्रैवलर, हाँ जी, खासकर आप साइकिल से घूमते हैं, हाँ जी। तो अपने बारे में कुछ बताएं। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप राणा है, मैं उत्तराखंड गरुड़ बागेश्वर से हूँ। तो आज सोमेश्वर घाटी में आना हुआ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब भी मैं यहाँ से कभी भी जाता हूँ हमारा जो मेन जो रास्ता पड़ता है वो यही पड़ता है, ये सोमेश्वर से निकलते हैं मोस्टली जब भी हम हल्द्वानी की तरफ जाते हैं। तो हमेशा मैंने ये वैली बहुत देखी है, लोध वैली, और इसके नाम बहुत सुना है, तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती है वैली। और जो यहाँ पे सीढ़ीदार खेत है और लंबे एरिया में फैले हुए हैं तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। साथ ही मैं अब मेरे बारे में बोलूँ तो मैं एक्चुअली ट्रैवलर हूँ और साथ ही मैं साइकिल से ट्रैवल करता हूँ और मैंने 23 देश ट्रैवल कर चुके हैं और 23 कंट्रीज मैंने ट्रैवल कर चुके हैं, उसमें से अफ्रीका महाद्वीप किया है, एशिया किया है, सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्ट किया है और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज किए हैं। तो ये करते करते अभी लास्ट 2 महीने पहले मैं इंडिया आया अपने इस जर्नी को करते हुए। अभी कुछ टाइम इंडिया में हूँ, अपने कुछ और मेरे छोटे छोटे काम है, गोल है, उनको अचीव करना है, उसके बाद फिर मैं गर्मी के स्टार्टिंग में निकल जाऊंगा। एक्चुअली मैं इस बार घर इसलिए आया क्योंकि जिस साइड को मुझे जाना था, जैसे कि आपको बताया दुनिया में सबसे ठंडी जगह कहाँ है, वो है याकुत्सक यकुतिया रशिया में। तो मेरा जो रास्ता था अगला कोरिया चाइना फिर ये रशिया होते हुए मुझे जाना था सेंट्रल एशिया, बहुत ठंडे एरिया थे, तब मुझे ये मैंने 2-3 महीने यहाँ पे स्टॉप किया। अब जैसे गर्मी स्टार्ट होंगी मई जून में तब मैं अपनी जर्नी में वापस निकल जाऊंगा और मेरा टारगेट है कि मैं वर्ल्ड टूर करूं, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करूं और पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करते करते अपने पहाड़ का नाम अपने देश का नाम आगे करूं। तो एक छोटा सा टाउन है हमारे उत्तराखंड में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में गरुड़, हाँ जी। तो गरुड़ में आपके मन में कैसे आ गया कि आपको ये दुनिया घूमनी है? आपकी तो उम्र अभी कितनी है? उम्र 25 साल है? हाँ जी, मैं 25 साल का हूँ। 25 साल की उम्र में तो आपने लगभग 15-16 साल की उम्र से घूमना शुरू कर लिया था, तो कैसे उस समय आपके माइंड में आया? तब तो सोशल मीडिया में इतने वो भी नहीं थे घूमने वाले लोग। बिल्कुल, इस बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअली ये स्टार्ट ऐसे हुआ, एक्चुअली मेरी जो पढ़ाई रही है तो कुछ साल मैंने देहरादून पढ़ाई किया, कुछ साल मैंने गाँव में किया, कुछ फिर देहरादून फिर गाँव। तो जब वहाँ से इतना मूवमेंट होता, मेरे जब गांव वापस आया था उनसे तो मेरे दोस्त नहीं थे बिल्कुल यहाँ पे, तो मुझे अपने आप में ही सब कुछ बिजी रहना था, अपने आप में ही सब काम करने थे। तो उस बीच ये हुआ कि मैं अपने आप में ज्यादा इंडल्ज जाता था कि मैं कैसे अपने आप पे टाइम पास कर सकूँ। तो फिर मैं और ये मैंने हॉलीवुड मूवीज देखना शुरू कर दी जिससे मैं बिजी रहता था और माइंड मेरा वो रहता था। तो हॉलीवुड में से मैंने बाहर कंट्रीज की लोकेशन देखी, अमेरिका देखा, जापान देखा, लंदन देखा, वहाँ की लोकेशन मेरे मन में बस गई, मैंने कहा यहाँ जाना है।
पर ये था कि उसमें घर का ये था नहीं कि घर में से पैसा भागू 1,00,000 रुपए मैं चले गया लंदन, मैं चले गया अमेरिका, नहीं आ सकता ना। मेरे फैमिली में आज तक कोई फ्लैट में नहीं बैठा है, तो मैं पहला बंदा था जो इतना कर पाया। सोचा तो वहां से सोचा कि जाना है, तो वहीं से रास्ता निकाले। फिर मैंने साइकिल धीरे साइकिल चलाना शुरू किया, फिर मैं साइकिल जाके मैंने नेपाल गया, फिर इंडिया टूर किया। एक स्टेप 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 लेते लेते मैं फिर ये पूरा कर पाया भाई। छोटी सोच थी दुनिया देखने की और ड्रीम था उस समय, और मैंने कहा करूंगा, और फिर मैं आज फाइनली कर रहा हूँ। कर रहे, बहुत बड़ी बात है। तो आपको कोई रोड मैप भी बता रहा था शुरू शुरू में, या फिर आप खुद से ही सर्च कर रिसर्च कर रहे थे? तो मैं वही बोलूंगा, जैसे मैं मूवी देखता था तो मुझे कंट्रीज बहुत पसंद थे, तो मैं फिर मैंने हमारे पास आज इंटरनेट एक बहुत बड़ा एक पावर है, टूल है, तो गूगल मैप खोला मैंने, देखा मैंने उसमें कौन सी हमारी कंट्री के नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, हम नेबरिंग कंट्रीज को देखेंगे जहाँ पे हम जा सकते हैं, इजी टू एक्सेस है। तो मैं नेपाल गया, नेपाल इजी टू एक्सेस हमारे लिए, नेपाल से स्टार्ट किया, फिर भूटान गया, करते 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 पूरा रूट मैप बनाया, इंडिया से डायरेक्ट म्यांमार बॉर्डर पड़ता है, वहां से कहां का बॉर्डर आता है बना बना के पूरा देखा। फिर वीडियोज देखी जो ट्रैवलर्स हमारे उस समय के अच्छे ट्रैवलर्स थे, उन 4-5 साल पहले उनकी वीडियो देखी, पूरा रास्ता बना 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 के फिर मैं निकल गया, ऐसे करके पूरा प्लान किया। तो आपकी हिम्मत को दाग देनी होगी, और हिम्मत तो बहुत करेज चाहिए। क्या कहते हो इनके बारे में, क्या कहोगे आप? हर्ष काफर, आप पहली बार मिल रहे हो? हाँ, मैं पहले बताता हूँ, हर्ष काफर जी के बारे में बोलना चाहूंगा। इनके बारे में मैंने रिसेंटली जब से मैं घर आया हूँ, मैंने बहुत सुना इनके बारे में, और मुझे बड़ा इच्छुक था कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ करके, और आज कल रात को यही सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे हम पंकज जिना जी के नाम आए, तो उनके बाद उन्होंने बताया कि आ रहे हैं, मैंने कहा अच्छा मैं इनसे मिलने आ गया। तो जो मेरी पहली इनका मुलाकात हुई, मीट हुई, तो मुझे बहुत दिलचस्प इंसान लगे, और जिस तरह ये बोलते हैं कुछ भी चीज़ों को, और एक इनकी टोन है, पहाड़ी टोन है, साथ में एक इनके चेहरे में एक ऐसा एक्सप्रेशन करते हैं वाला इनका खास, जो इनका सिग्नेचर मूव, मैं मूव बोलूंगा उसको, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम बहुत हंसते हैं हर बात में, जो भी कुछ भी अगर सेट हो भी हंसेंगे उसमें, बिल्कुल घुस के समझाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगे। एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप राणा जी, आप भी इनके बारे में कुछ तारीफों के पुलिंदे। तो खतरनाक आदमी है, इसके बारे में नया बोलने के लिए क्या है, सब कुछ ही वो है। तो ये अपने आप में एक उत्तराखंड में आने वाले समय में एक तरह से कहें तो अभी भी बहुत पॉपुलर हैं आप काफी, लेकिन आने वाले समय में सभी लोग जानेंगे, है ना? बिल्कुल। देखिए मेन चीज मैं बोलूंगा पॉपुलर होना हो, बस ये कि आप, मैंने कभी भी ये स्टार्ट पॉपुलर होने के लिए था, मेरा एक अपना ड्रीम अपना गोल था। जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी बच्चे यूथ है, मैं यूथ से ही बोलूंगा कि जो आपका ड्रीम है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट पर्सन, कोई कायाकर, कोई माउंटेनियर, कोई साइक्लिस्ट, कोई नेशनल प्लेयर, कुछ बनना चाहता है, तो आप उसको फॉलो करें, और चाहे वो अभी आपके लिए मुश्किल हो, आपके घर में पैसा ना हो, या आप वो चीजें किसी की ना हो आपके गलत, तो लोग आपको बोलेंगे क्या कर रहा है, मैं वर्ल्ड टूर, मैंने बोला मैं वर्ल्ड टूर करूंगा, अरे वर्ल्ड टूर साइकिल से क्या बोल रहे हैं, कौन जाएगा इतनी बड़ी कंट्री में, तो पैसा लगता है, पैसा कितना चाहिए पता है आपको यहाँ से जाने के लिए? तो वे बोलते थे क्योंकि किसने किया ही नहीं था, तो आपसे यही बोलेंगे नहीं कर सकता, समझो? पर अगर आपका थॉट है तो आप उसको पीछे मत हटो, उसको ड्रीम लेके चलो कि हाँ कर सकता हूँ और करूंगा, आपने बिलीव करो। मैंने वही किया, मेरे स्कूल में 12 में पूछा मैडम ने तुम क्या करोगे, मैंने कहा अमेरिका जाऊंगा मैम। अच्छा अमेरिका जाओगे? हंसने लगे सब लोग। आज जब कर रहा हूँ, मैडम खुद आती है मेरे पास, मेरे हमारे इवेंट में मुझसे मिलने, बोलती है वाह यार प्रदीप तो उसमें ऐसा बोलता था, आज कर रहा है, तो मतलब जो आप बोलते हो उसको एक उसको उस पे तो आप अमेरिका गए नहीं गए अभी? अमेरिका यार मैं लास्ट का चरण है, मैं एक्चुअली जब भी जाऊंगा मैं साइकिल से जा रहा हूँ जैसे, तो एक एक चरण करके पहले एशिया महाद्वीप, फिर आपका यूरोप महाद्वीप, फिर आपका क्या कहते हैं अफ्रीका, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका होते हुए आप फिर पहुंचोगे। तो अभी तक की जर्नी में सबसे चैलेंजिंग मतलब कंट्री या फिर कंट्री कहूंगा कौन सी लगी? मेरी सबसे पहली जर्नी मेरी सबसे चैलेंजिंग जर्नी थी लाइफ, जो किसी चीज का स्टार्ट होता है वही चैलेंजिंग होता है। वहां से मैंने इतना सब नेपाल जाए, नेपाल मेरी लाइफ का लाइफ चेंजिंग कंट्री, लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है। तो नेपाली मैंने 6 दिन में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा अकेले में, तो उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गया, वही मेरी लाइफ की सबसे मेस्ट चैलेंजिंग कंट्री रही है, मैं बताऊंगा। तो जब आप नेपाल गए थे तब आपकी एज क्या थी? 16 साल का था समय में, 16 साल की में। तो ताऊ जी बढ़िया सा खाना बना रहे, इनको देखते हुए आपको कैसा लग रहा है? मुझे मैं बोलना चाहूंगा कि मैं आज सोमेश्वर होमस्टे में आया हूँ, सबसे पहले मैं बहुत बहुत खुश हूँ, साथ ही में इतना ब्यूटीफुल सामने, इतना ब्यूटीफुल देख रहे हो, कितना हरा भरा वो है, तो मैं कि आंखों को अगर आप ये हरा मिल जाए, पानी देखने को मिल जाए, तो नेचुरल तत्व है, तो इससे आपको और वो मिलता है, शरीर अंदर और शांति फील होती है कि नहीं? तो इतना ब्यूटीफुल जहाँ पे आया हूँ और सब कुछ सामने देवदार के पेड़ है, और जब भी मैं पास करता हूँ ना ये पेड़ देखता हूँ, इतना बढ़िया लगता है देख के, और मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा यहाँ पे आके, साथ ही में आपने हमारे राज जी ने हमको यहाँ पे खाना मिला खिलाया, साथ ही में इतना अच्छा हमको यहाँ पे सब कुछ दिया स्टे वगैरह, तो इसलिए बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा एक लास्ट ही मतलब कुछ पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ जी बिल्कुल पूछिए। पूछना क्या, आपकी राय लेना चाहूंगा। हाँ जी, आजकल हम देखते हैं कि हमारे पहाड़ में ना कई जो नए लड़के हैं, लड़के ज्यादा कहूंगा, वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, नशा करते हैं, किसी न किसी तरह के नशे में फंसे रहते हैं लगभग 80% लोग। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इसे देखते हैं?
मैं इस बारे में यही बोलूंगा कि हाँ ये है, ये चल रहा है कि यहाँ पे बहुत लोग जो है बच्चे नशे में फंसे हैं, उसमें फंसे हैं। पर मैं इसमें एक चीज और बोलूंगा कि जो बच्चे आजकल गांव में रह के उनको कुछ करने को नहीं है, 12 पास के कुछ करने को नहीं है या कुछ भी चीजें हैं तो घर में ही बिजी रहते हैं, तो लोकल लोग यहाँ पे कोई क्रिकेट खेलता है या कोई कुछ करता है, ऐसे एक्टिविटीज में रहते हैं या कोई नशे करता है, तो मैं उनसे ये बोलूंगा कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसे वो निकाले जाए, कोई ऐसे जैसे गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ वो करे कि कुछ यहाँ पे अगर उनका कुछ जगह पर फालतू जीवन जाके कुछ और एक्टिविटीज कराई जाए, जैसे कुछ भी ऐसे करियर बिल्डिंग एक्टिविटीज कुछ भी ऐसे एक्टिविटीज हो तो उसमें शायद वो ज्यादा इंगेज रहेंगे, एटलीस्ट होना तो चाहिए यहाँ पे कुछ उनके एक्सपोजर के लिए। जैसे अभी मैं कहानी में एक एमटीपी कहानी करके साइकिल रेस कराता हूँ, अगर वो जब मैंने स्टार्ट किया साइकिल स्टार्ट किया था, मुझे एक छोटी सी रेस से स्टार्ट किया था मैंने, वहां से आज मैं यहाँ पहुंचा, अगर वो मुझे उस समय एक्सपोजर नहीं मिला होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, उस समय मैंने अगर साइकिलिंग का मजा नहीं लिया होता उस 15-16 साल में तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता। तो हमको ऐसे इवेंट, ऐसे स्पोर्ट्स, ऐसे चीजें हमको यहाँ पे छोटे छोटे लेवल पर करनी पड़ेंगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज या ये ब्लॉक वाइज, जिससे कि बच्चों का रुझान वहां को जाए। और जब वहां देखे, अरे इसमें तो ये भी होता है, इसमें तो ये भी होता है, अभी बच्चों को पता ही नहीं है, अभी बच्चों को पता है कि क्रिकेट होता है गाँव में, या फिर क्या कहते हैं गाँव में लिमिटेड चीजें होती है तो उसी में लगे हैं। जब उनको पता लगे कितना वास्ट है चीजें, जब हमारी गवर्नमेंट ये यहाँ पे लाएंगी तब वो उसमें तो जाएंगी। जापान के लोग इतना आगे क्यों हैं, क्योंकि बच्चों को पहले से मल्टीपल चीजों में डाल दिया जाता है कि ये स्विमिंग का ये है, इसका तो उसको घर में करने के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिमिटेड है, तो वही तो करेगा ना। तो इसमें हम उनको दोष ना दें, और दोस्त अगर जो कर भी रहे तो ये तो बिल्कुल वैसी बात है कि इसको सुना ही करें, और साथ ही में जो अच्छी चीज है उसको फॉलो करें। मेरी तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत रोल है, ऑफकोर्स ये है कि अगर यहाँ पे हमारे एनजीओ या गवर्नमेंट कोई ऐसे एक्टिविटीज कराया है जो मुझे मतलब मल्टी उसमें इंडल्जिंग हो तो ऑफकोर्स वो ऐसा कुछ कर सकता है कि हाँ वो फालतू चीज में ना लग के ऐसे एक्टिविटीज में इंडल्ज रहे। बिल्कुल, मैं तो ये बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको मैं पंकज जी नसीब लाऊंगा दोस्तों को। तो पंकज दा क्या हाल है? मेरा नाम पंकज जीना है और मैं अभी राजू के होम स्टे में आया हुआ हूँ। वैसे हमारा ही होम स्टे है, खाली कहते हैं राजू का होम नहीं, ये आप होम स्टे का प्रचार नहीं कर, मतलब ये मत बोलो, यहाँ नहीं करना, इसको कट कर लेते हैं, इसको कट कर लेंगे, एडिट कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब नमस्ते। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ कैसा लग रहा है आपको? यार यहाँ घर जैसा ही लग रहा है, तो मतलब ये घर है हमारा, अब दूसरा घर यही है। तो अभी आप काफर जी से पहली बार मिले हैं? हाँ, हर्ष भाई से। कैसा लगा आपको? बस यार मैं कहूंगा कि सोमेश्वर घाटी में एक गांव है, मैं उस गांव का नाम नहीं जानता, लेकिन मैंने इतना सुना है कि माँ नंदा का डोला एक रात के लिए वहां ठहरता है। वहीं उस गांव में एक आवारा कवि रहता है जिसका नाम हर्ष काफर है, जो कहानियां कहा करता है, जो कविताएं सुनाया करता है, इस अंदाज में लोगों को अंदर से जगा देता है, वो हर्ष काफर है। मैं हर्ष काफर को बार बार सुनना पसंद करता हूँ और कई बार मैं उसकी कविताएं दूसरों को सुनाता हूँ। वो अपनी आवाज में जब चिल्लाते हुए कहता है आवरे लौंडो, खसोड़ते हैं पहाड़ को, जब वो कहता है अम्मा द टाइम मशीन, तो हर रोज वो मेरे दिल में और उतरता जाता है और अंदर तक अपनी जगह बना लेता है। हर्ष काफर जैसे लोग बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, इन्हें सहेज कर रखा जाता है, अपने पास संभाल कर रखा जाता है। तो आपको भी लाखों लोग मतलब देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप हर्ष काफर को फॉलो करते हैं? मैं हर्ष काफर को फॉलो करता हूं, मैं हर्ष काफर की कविताएं पढ़ता हूं बहुत ज्यादा, और इसकी कविताएं मैं सुनाता हूं अपभ्रंश के रूप में, मतलब जो इसने लिखा है मैं वैसा एज इट इज नहीं सुनाता, उसमें दो चार शब्द और जोड़ देता हूं और कहता हूं ये तो हर्ष काफर के शब्द हैं, हमारे नहीं है। अच्छा, मेरी ऐसी आदत है। और जीना जी, आपके जीवन में क्या चल रहा है? मेरे जीवन में बेरोजगारी चल रही है और मैं घर आ गया हूं सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और मैं घर से ही काम करता हूँ। पहले आप रेडियो जॉकी थे बनारस? हाँ, में पहले मैं एक रेडियो जॉकी था एक रेडियो स्टेशन पे, अब मैं वो सब छोड़ छाड़ करके गांव आ गया हूँ, और अभी मैं गांव में ही हूँ और मुझे अच्छा चल रहा है क्योंकि मैं कुछ कंपनीज के साथ काम करता हूँ ऑनलाइन, और मैं अपना खर्चा निकाल लेता हूँ बढ़िया से। बाकी घर वालों को यही बताया है कि बेरोजगार हूँ, नहीं तो पैसे मांगने लगेंगे ज्यादा। बहुत बढ़िया, मतलब घर वालों को पता नहीं है कि काम कर रहे हैं? मम्मी को पता है, मेरे को मत बताना, दिक्कत है, कर्ज मांगने वाले आ जाते हैं। चलो ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद मैच वैसे देखने चलते हैं। वो गौरव जी कहाँ गए? आरजे गौरव भी आ रहे हैं ऊपर, उनसे भी मिलाना है मैंने दोस्तों, उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। तो ये हमारे भाई साहब हैं। तो दोस्तों बज गए हैं दोपहर के करीब 11:30 बज गए हैं और मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने जहाँ पे हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहे हैं। तो मैंने आपको सभी से मिला लिया, लेकिन मैंने आपको नहीं मिलाया है जो मेरे पीछे हैं, आपको सफेद जैकेट में दिख रहे हैं आरजे गौरव, तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं। और पंकज दास से तो आपने मिल लिए है, लेकिन आरजे गौरव से मिलवाते हैं पहले आपको यहाँ का जो है बढ़िया व्यू। दोस्तों ये बढ़िया सा व्यू है यहाँ पे जहाँ पे अभी हम आए हैं धार में, और ये हमारी मित्र मंडली है, टोली है, प्रदीप भाई हैं। पहले गौरव जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजू भाई कैसे हैं आप? तो देहरादून से यहाँ आके कैसा लग रहा आपको? यार ये तो बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे एक फीलिंग है, ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि ये मेरा पहली बार जो है वो आना हुआ है कुमाऊं में, है ना।
और तो इसका श्रेय किसे देंगे आप? इसका श्रेय जो है पूर्णतया मैं अपनी बहन की शादी को दूंगा जिसकी अभी शादी हुई। मेरी चाचा जी की बेटी की शादी हल्द्वानी में अभी 19 तारीख को हुई, 19 सबको, तो उसके लिए हल्द्वानी आना हुआ और पहली बार कुमाऊं आना हुआ। लेकिन फिर उसके बाद ये था कि अपना पंकज जीना जो भाई है तो वो यही जुलीकोट में रहता है, तो मैंने कहा कि भैया पहली बार कुमाऊं आना हो रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुमाऊं दर्शन ना किए जाए, क्योंकि इससे पहले वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तो ये सौभाग्य मिल रहा था तो हमने इसको दोनों हाथों से लपका और जो है पहुंचे और फिर यहाँ सोमेश्वर में आए हैं। क्या लद्यूड़ गांव है, लद्यूड़ गांव में और भाई के होम स्टे में आए यार। क्या एकदम खाना भी भाई का शानदार है, लोकेशन ये इतनी प्यारी है और घाटी का नाम क्या बता? सोमेश्वर घाटी, लोध घाटी। मतलब सोमेश्वर घाटी एक्चुअली क्या है ना कि सोमेश्वर घाटी में जैसे ये वाली जो बेल्ट है ये लोध वाली बेल्ट हो गई, एक चनौदा वाली होगी मतलब कोसानी वाली, अच्छा, और एक अल्मोड़ा वाली बेल्ट होगी। सोमेश्वर घाटी में जो चारों तरफ के बेल्ट है वो पूरी सोमेश्वर घाटी होगी, लेकिन ये जो बेल्ट है ये लोध वाली बेल्ट, लोध लोध घाटी। हाँ तो बहुत शानदार फीलिंग है और अपने परिवार के साथ आएंगे। तो अभी अभी आप पंकज सर क्या कह रहे थे? मैं बोल रहा था कि गौरीदा की एक साइट है जो लोगों को नहीं पता अभी तक, लोग हमेशा इन्हें एक कॉमेडियन के रूप में देखते हैं, बट एक साइट वो भी है जहाँ वो एक अच्छे रैपर हैं और एक अच्छे कवि भी हैं। इनकी लिखी कविता जो इन्होंने 9th क्लास में लिखी थी वो शायद 12वीं की किताब में भी है, ऐसा कुछ किस्सा है, वो किस्सा तो कभी बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले गौरीदा एक रैप सुनाएंगे, हम यहाँ पर इनके ऑडियंस हम ये समझ लीजिए और बाकी आप स्क्रीन के उस पार जो देख रहे हैं वो भी ऑडियंस है। तो गौरीदा थोड़ा हो जाए फिर वो काल चक्र। तो मेरा आर्टिस्ट नेम जो है वो है नश्वर, तो नश्वर वो होता है जो नष्ट हो सकता है या नष्ट हो जाएगा, उसे नश्वर कहा जाता है। तो कोई मुझसे पूछे कि आप कौन है तो मैं कहूँ मैं नश्वर हूँ, तो नश्वर मेरा आर्टिस्ट नेम है और मैं स्पिरिचुअल हिंदी स्पिरिचुअल रैप सॉन्ग लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये कालचक्र मेरा सबसे पहला गाना था जो मैंने लिखा था, लिखा 2016 में था लेकिन संगीत के साथ लयबद्ध से किया 2021 में रिलीज किया। तो ये कुछ ऐसा है, ये बीट के साथ में कुछ भी और वो काल चक्र के पाश में अब शुरू होता है। रुके कदम चले कलम, सत्य खड़ा हो झुके भरम, अजर अमर रहे आत्मा प्रकृति का यही नियम, अंग नगन घाव नरम प्राण वायु को करे जतन, तब करनी थी अब भरनी है पाप पुण्य ही तेरा करम। ईर्ष्या में जलते हैं द्वेष में पलते हैं, चेहरा कोई देखे ना मुखाटे बदलते हैं, कल के ये बोले क्या हल्के इन्हें तोले क्या खोखला ज्ञान इनका मुंह अपना खोले क्या, गिरते हैं पड़ते हैं फिर जो संभलते, आंखों में जज्बा ना दर्द कभी झलके, जन्म लिया हो सर्वस्व जीतने को करके नमन उनके पीछे सब चलते हैं। काल चक्र कपैया यूं ही चलता जाएगा, विधि के विधान को तू टाल नहीं पाएगा, काल चक्र कपैया यूं ही चलता जाएगा, नियति में जो लिखा है वो ही तो तू पाएगा, काल चक्र कपैया यूं ही चलता जाएगा, विधि के विधान को तू टाल नहीं पाएगा, काल चक्र कपैया यूं ही चलता जाएगा, नियति में जो लिखा है वो ही तो तू पाएगा, तू समय की घड़ियां गिनता जा, लड़कर मर जा या जिंदा जा, जीवन अमूल्य है तू सिर्फ शून्य, सही जगह हो फिर बहुमूल्य है, एकमात्र बस यही प्रश्न है, दुग्ध श्वेत या वर्ण कृष्ण है, रक्त रंजित देह लिए वो बाण शैया पे पड़ा भीष्म है, मानवता का साधक हूँ मैं, आत्मकथा का वाचक हूँ, न मोह कोई न माया बोई, सदा यथावत याचक हूँ, क्यों व्यर्थ रखता रहे अहम, क्यों व्यर्थ करे जो लिया जन्म, तू क्या खोए तू क्या पाए, एक दिन होगा सब खाक सम, नश्वर तेरा ये दंभ और जाल कपट का भंग, मोह माया को त्याग रे मानुष क्या ले जाएगा संग, क्षण भर का ना प्रतिबंध तू जल प्रवाह प्रचंड, आत्मबोध से वंचित तुझ में है ब्रह्मांड अनंत, तू बदले क्या इतिहास कर आज में ही विश्वास, प्राण से बढ़कर प्राण हो तेरा कर बस यही प्रयास, पल पल घटती है श्वास तू कर ले ये आभास, जीवन मरण का भेद खुले जब काल आए अनायास, काल चक्र विधि के विधान को तू टाल नहीं पाएगा, काल चक्र कपैया यूं ही चलता जाएगा, नियति में जो लिखा है वो ही तो तू पाएगा, काल चक्र कपैया यूं ही चलता जाएगा, विधि के विधान को तू टाल नहीं पाएगा, काल चक्र कपैया यूं ही चलता जाएगा, नियति में जो लिखा है वो ही तो तू पाएगा। बहुत शानदार, कि दूसरा नजरिया देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही नजरिया आपने देखा गौरीदा का। तो ये तो एकदम हिंदी के बहुत मुश्किल मुश्किल शब्दों को आपने इसमें यूज किया यार, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ दर्शक है उनको अच्छा लगे,
अच्छा लगे, बेशक लगेगा। और ये बताइए कि जो आप ये पीछे से बजा रहे थे, इस पर कॉपीराइट तो नहीं आएगा? नहीं 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 नहीं, 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 ये तो मेरा ही, ये मेरा ही गीत है, संगीत मेरा ही है, सब है। तो कॉपीराइट ब्लॉगिंग पे कॉपीराइट आएगा? नहीं 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 आएगा यार। तो कॉपीराइट आएगा तो स्ट्राइक मत करना। हाँ, कॉपीराइट। तो दोस्तों अभी बज गए शाम के 6 और आपने देखा कि आज मैंने आपको कई सारे लोगों से मिलवाया अपने ब्लॉग के थ्रू, और मैच नहीं दिखा पाया मैं आपको, माफी चाहूंगा कि मैं आपको मैच नहीं दिखा पाया क्योंकि आज मैच भी था यहाँ पे। तो आज के ब्लॉग को दोस्तों अभी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, बाय बाय, जय श्री राम।